पर ऐसे पता क्यों कर रहा है? क्योंकि संग कैसा लग रहा है? वेरी प्रीटी। इसने लटकन भी बना दिया। दीपू की कमर मैं भी मारूंगी। ये पिटने के काबिल है। तो भाभी निकल पड़ी है साइबर को लेके। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। 2 दिन के बाद है शंकु का बर्थडे। यहाँ पे यम्मी यम्मी शिमला मिर्च बन के रेडी है। एक बार यहाँ आए बेड से कपड़े निकालने और ये हट ही नहीं रहा हमारे बेड से। अपना ये देखो, ये साइबर ऐसे पता क्यों कर रहा है? क्योंकि संगीता उसकी बेल्ट है ना, जो उसके साथ देखो पंगे कर रही है ना, वो परेशान कर रही है ना। देख बेल्ट उसकी, उसके पट्टे में जो ये बेल्ट मैं पैर लगा रही हूं, इसलिए इसको अपनी चीजें चाहिए होती है। ले 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 साइबर ले। अरे निशाना लगा रहे, निशाना लगा रहे। अपनी बेल्ट पकड़ रहा है, बेल्ट ओ पकड़ ली, पकड़ ली। ले ले शोना बाबू। हाँ देखो ये कितना पजेसिव है अपनी चीजों को लेके। अपनी चीजें और जैसे इसका पट्टा ले लो, इसके कपड़े ले लो, ये बहुत परेशान हो जाता है। ठंडी के कपड़े तो उतारने नहीं देता, हम धोने के लिए उतारते हैं ना तो खींचता है। अभी अगर इसको दिख जाए ना कि हमने कहाँ रखे तो ये पागल देख लो कैसे। हाँ सच में तू परेशान कर दिया हमारे बच्चे को। पापा ब्लॉग में देखेंगे ना, बताएंगे तुमको अच्छे से। पापा एक तो है नहीं, पर से पापा के लिए मतलब पापा से बहुत प्यार करता है ना। हाँ। तो इसलिए हमें तो परेशान कर रहे हैं। पापा पापा का लाड लाए ही। इसकी शक्ल हटाओ। जब पापा होते हैं हमारे पास बिल्कुल नहीं आते। हाँ अच्छा अभी खुजली मोटा कर। हाँ ले लो साइबर, ले लो। लेगा लेगा आराम से। सोच रहे हैं दियो, मुझे दियो एक बारी, कैसे रिएक्ट करता मुझे दियो। साइबर की बेल्ट आपसे कुछ नहीं कहेगा, आपसे प्यार करता है। पहनाओ, आपसे कह रहा पहनाओ, उसको काट रहा था। उसने छीन लिया तो लड़ रहा है। भाभी उससे उससे लड़ रहा है, आपसे लड़ नहीं रहा, आपसे प्यार कर रहा है। उसे दिलवाओ बेल्ट, दिलवाओ उसे। कुछ नहीं करेगा, छोड़ दे, लेके बैठ जाएगा, लेके बैठ जाएगा। उसकी चीजें लूट लो। पकड़ लिया, अभी ऊपर खींच लेगा। दे साइबर, दबाने की कोशिश कर रहा है पर उसे दब नहीं रहा। अभी हम लोग इस रूम में आए हैं क्योंकि आज हम निकाल रहे हैं ठंडी के कपड़े, क्योंकि दिल्ली में थोड़ी बहुत ठंड जो है वो आ चुकी है, तो हम निकाल रहे हैं ठंडी के कपड़े ताकि हम उसको धो पाए और अच्छे से सुखा पाए, है ना। पर हम तो गुड़गांव में रहते हैं। तो मैंने क्या बोला? दिल्ली। एक ही बात है, दिल्ली NCR भाई। मैं वो तो तू है। ये देखो हेयर वॉश किया है। तो आज मैं अपने बालों को दिखा रही हूँ, देखो कितने लंबे बाल हैं। ऐसा लग रहा है तू होली खेल के आई है। ये जो ये तूने रंग बिरंगा पहना है ना नीचे, अच्छा है, कलरफुल। अच्छा अच्छा, अबे अभी फेंक देगी उठा के। ठीक है अच्छा, आप जब तक बोल रहे हो अच्छा तो ठीक है, बाकी आपने बोला बुरा है तो नहीं पहनूंगी। हाँ दीपू ने सच में वो कपड़े रिजेक्ट कर दिए जो मैंने बोले थे अच्छे नहीं है, फेंक दे। तो इन लोगों ने खोल दिया है बेड। और साइबर, साइबर की एक आदत बताती हूँ मैं आपको। आपको पता है भाभी कि जैसे बेड खोलो तो ये बेड के नीचे घुस, बेड के अंदर घुस के बैठ जाता है। हाँ ये बेड के अंदर जाके बैठ जाता है। अभी हम निकाल रहे हैं ठंडी के कपड़े। साइबर भाभी ऐसे ऐसे करो ना बेड में। पता है हम ठंडी के कपड़े क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हम चेक कर रहे हैं हमारे पास क्या कपड़े रखने के हैं, क्या रिजेक्ट करने के हैं। उसके बाद हम जल्दी जाएंगे मार्केट अपनी सर्दियों की शॉपिंग करने, जैसे हम लास्ट टाइम गए थे। मैं कह रही हूँ अपना एक बार ना ऐसे इसको थपथपाओ बेड के अंदर, देखना कैसे आएगा। ये देखो थप तो पाओ ना, और थप तो देखो, देखो कैसे घुस जाइए। चला जा चला जा, हो करता है, हो करता है, डरता भी है। इसको बेड के अंदर बैठना इतना अच्छा लगता है ना, निकलता नहीं जब मम्मी अपना बेड खोलती है। तो ये देखो यहाँ पे कपड़े निकलने स्टार्ट हो गए। रिजेक्ट करेंगे और नए कपड़े लाएंगे। ये अभी दीपू और संगीता के निकल रहे हैं, कुछ टाइट भी हो गए होंगे, तभी तो निकाल के चेक करेंगे ना। ये कुछ इधर से कपड़े निकाल रही है बेड से। इतने कपड़े होने के बावजूद हम वही चार घिसी पिटी स्वेटर पहनेंगे पूरी सर्दी। अगर हम ले भी आए ना तब भी हम चार वही पहनेंगे,
क्योंकि हम हैं आदत से मजबूर, है ना? क्योंकि आप लोगों ने जो कैच एंड कैच खेली थी ना मेरे टोपे के साथ, इसके कैप से हमने कैसे कैच खेली थी, फाड़ दी थी इसकी टोपी। देखो अभी इसकी जैकेट, ये संगीता ही ऐसे अपने कपड़े रखती है, देख रहे हो? देखो गाइस हमारे पास 9 साल पुराना लहंगा भी है। 9 साल पुराना? मजाक है, नॉर्मल पुराना है। कहीं मजाक, उससे भी पुराना है ये। ये दीदी का लहंगा है, अच्छा। दीदी ने अपनी फ्रेंड की शादी में, ये पहला लहंगा है हमारे घर का। उसके बाद तो लाइन लग गई, उसके बाद तो लाइन लगी पड़ी है गाइस। वो भी दिखाऊंगी, पीछे वाले बेड में है। आप क्या सोच रहे हो? क्या सोच रहे हो महाराज? अब इनको कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सारे। साइबरू सोच रहा है, मैं खड़ी हूँ, वो साइबरू से बात कर रही है। आप क्या सोच रहे हो? पर मेरे कपड़े निकल चुके हैं, जो कि ये रहे वो थोड़े से ही हैं, लेकिन इधर देखो खत्म नहीं हो रहे हैं। मतलब भाभी बस ऐसे देख रही है कि कितने सारे निकाल ही रही है, खत्म नहीं कर रही बिल्कुल भी। और जब घर में पहनने होते हैं तो इसके पास 40 जोड़ी है जो डेली रिपीट करती रहेगी। और भाभी ने जब परेशान हो गए, आप परेशान हो गए थे ना इससे कि एक ही कपड़े पहन रही है। फिर भाभी इसको शॉपिंग करा के लाई थी, लेकिन फिर भी नहीं पहनती है वो। ये देखो खत्म नहीं हो रहे इसके कपड़े, ये क्या क्या निकाल रही है। मैं ना आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ। जब मेरे को कुछ ड्रेस मिल गई जो आपके बर्थडे पे ढूंढ रही थी मैं, शुक्र है पर ये आएगी नहीं मुझे। अब मेरे को अभी ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत तेज से चिल्ला के बोल रही हूँ, ड्रेस नहीं आएगी मेरे को। ये दीदी ने दिया था इसको बर्थडे पे, ये शंकू को आ जाएगी। भाभी मैं छोटी ड्रेस नहीं पहनती, आपको पता है। ये भी नहीं बोल सकती कि पतली होंगे तब देखूंगी भाई, ये नहीं सोच रही मैं पतली हो जाऊं। ये देखो भाई, ये देखो भाभी को छुपा दिया इसने यार। ये ड्रेस ये मैं कितने दिन से ढूंढ रही थी, ये ना ऐसे अभी दीपू को पहनवा के देखेंगे कैसी अलग से। मेरे को तो बहुत पहनाया भाभी ने, मैंने संगीता के कपड़े पहनवा के देखे हैं कि अगर जो कपड़े खराब है रिजेक्ट करवाना। ये दोनों पता क्या करती है, अलमारी में भरती जाती है कपड़े और पहनेंगी वही 4 कपड़े डेली। मम्मी 2.0। ये देखो ये लहंगा शंकु ने बनाया था, पता है मुझे कुछ नहीं आता था स्टार्टिंग में, कुछ भी नहीं आता। मम्मी की एक साड़ी ली, हाँ। जो ऐसी थी वेस्ट सी, हाँ। तो मैंने YouTube से देख के दीपू के लिए लहंगा सिला था, अच्छा लग रहा है। वो ऐसे फिर ये जो नीचे का डिजाइन है ना उसमें बताया नहीं था, ये मैंने अपने ऐसे अपना दिमाग लगा के जोड़ा था। सुंदर लग रहा है, नाइस। ये लटकन मैंने खुद बनाया है इतने सारे। दीपू यार तू पहन सकती है इसको, कब पहनू शंकु पता क्या कर, जन्माष्टमी में पहनूंगी। ये ब्लू वाले का ना टॉप बना दी, है ना, हाँ। अच्छा लग रहा है ना, बहुत। जन्माष्टमी में पहन सकती है, राधा रानी बन गई, मोटी राधा रानी। नवरात्रों में पहन ली है। लोग बोलते हैं हम दीपू को मोटा पतला ऐसी बातें करते हैं, बट देख लो वो खुद ही बोलती है। हम दीपू को पहन के आना टी शर्ट के ऊपर ही, तो ये पहन के आ गई है। देखो कैसा लग रहा है, वेरी प्रिटी। इसने लटकन भी बनाया है, सुंदर लग रहा है, देखो। तो अभी हम प्लान कर रहे हैं कि ब्लू कलर का कपड़ा लाके इसका कुर्ता बनाएंगे और दीपू पहनेंगे फिर जन्माष्टमी। मैं सोच रही हूँ कि उस वक्त मेरा दिमाग देखो ना, मैंने कितना अच्छा बना दिया बस देख देख के। भाई तो गरबा करने लग गई। ओए चल चेंज कर, आज कपड़े देख, यही खोल देगी। गाइस कैमरा, ये एक भी कपड़े की लड़की रिजेक्ट करने के नाम नहीं ले रही है। भैया की है, इसको भी सूखने में 4 दिन लगते हैं, बहुत अच्छी लगती है पहनने। परेशान हो गई। और इस बार ये तो तय है मेरे और संगीता के कपड़े आएंगे, पर दीपू का एक कपड़ा नहीं आएगा इस बार। इतने कपड़े जो तुमने रखे हुए भाई, ये देखो इतने कपड़े ऐसे निकल रहे हैं जो कि इसको खुद को नहीं पता इसके पास है। और कोई भी अगर कोई कपड़ा छोटा हो गया ना, वो कह रही नहीं मैं रखूंगी, मैं इस तरह पहनूंगी। अच्छी चीज है, इसको दिखाना है भाभी, लद्दड़ सी, लोगों को दिखाओ एक बार इसको। लद्दन लग, ये देखो कितनी सुंदर जैकेट है। और ये फालतू से जैकेट, ये लड़की ने ना पूरी सर्दी निकाल ली है इसमें। अभी से नहीं है, कुछ सालों से है ये। ये कैसा है गाइस बताओ, बहुत सुंदर है, चल हटा ले। अच्छे कपड़े दबाती है ये। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, नहीं पहन रही क्योंकि उतार जादू लग रही है। मैंने कहा अगर तेरे को नहीं चाहिए, मैंने इसको कहा अगर नहीं चाहिए तो मेरे को दे दे, ना देने को तैयार भी नहीं है। कितनी पता है कितना प्यारा लग रहा है ये जैकेट। थैंक यू क्या बोलो? कुछ बोल रहे थे आप, बोलो। डांट रही होंगी, सोच रही होंगी कैमरा बंद होगा तब डांटूंगी। इज्जत व्लॉग बन रहा है, इज्जत। अच्छा रुक जा, सिर्फ तेरे को लेती हूँ, रुक जा। ऐसे ही चुड़ैल गड़के चुड़ैल, गर्मी लग रही है यार भाभी। तो भाभी ने पहन लिया है दीपू की।
दीपू की जैकेट, क्योंकि दीपू बार बार ना इस जैकेट को देख के बोल रही है ये फौजियों वाली, ये ऐसी है, ये वैसी है। मतलब ना एक एक बहाना ढूंढ रही ना पहनने का। नहीं पर मैं अभी पहनूंगी, भाभी पहनेंगे, मिला मिला अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। जितना ये भाभी का पूरा साइज लग रहा है ना उतना ये मेरे घुटने तक आ गया। अच्छा पीछे घूम के दिखाओ, बहुत प्यारी लगी है। तो गाइस बताना किसके ऊपर ज्यादा अच्छे लग रहे, दीपू के ऊपर या मेरे ऊपर? जालिम दुनिया है। आपके आगे बोल रही है लेके, ये भी रख लेगी, आपको नहीं पता ही कैसे वो पहनेगी, वो गुड गर्ल है। देख रहे हो ना मेरे ज्यादा कपड़े भी नहीं है, मेरे भी नहीं। मैं तेरी तरह बचा बचा के नहीं रखती है। इसकी शॉपिंग नहीं होगी कट, मेरी शॉपिंग होगी और भाभी की। इधर से आपका फेस बहुत प्यारा सा लग रहा है, लाइट आ रही है इधर। यहाँ पे मैं छाट रही हूँ कौन से कपड़े घर के हैं कौन से बाहर के हैं। देख लिया वीडियो में कैसे लड़ रहे हो तुम दोनों। हाँ ये देखो कितने सारे इन दोनों के कपड़े निकले हैं, इसमें संगीता के थोड़े से कम है और दीपू के थोड़े से ज्यादा है, है ना दीपू? मतलब मेरे बिल्कुल कम है और इसके बिल्कुल ज्यादा है, ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों मुझे इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोग मार्केट जब भी जाए। हाँ इतने कपड़े हैं, देख लो कितने कपड़े हैं। बस बस संगीता देख रही है इसको, कपड़े तो दिलाऊंगी आप। कपड़ों के लिए ऐसे कर रही है बीबी, इतने होने के बावजूद इसके पैंट नहीं आई तो मैंने पहन ली, मेरे आ गई तो कह रही है कि भाभी इसके पैंट आ गए अब मत दिलाना इसको पैंट, इसके एक के बदले दो नहीं आई। लोग अपने दुख से परेशान है, लोग दूसरों के सुख से परेशान है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल सबसे बड़ी ये लोग। मार इसको, मार, मैं भी मारूंगी, ये पिटने के काबिल है। मम्मी देख रही होगी ना व्लॉग, मम्मी सोचेगी, मदर इन लॉ सोचेगी कि क्या हालत कर दी मेरे बच्चे की। वो कहाँ जाके हंस रही है देखिए, बागा की तरह। आज बन रहे हमारे घर आलू मटर। क्या बन रहे ढंग से बोल ले? आलू मटर और बन रहे हैं आलू शिमला मिर्च भर्ती बन हरा हुआ शिमला मिर्च। ये देखिए मैं लाई हूँ शंकु के लिए, दो दिन के बाद है शंकु का बर्थडे जो कि है 10 तारीख को, 10th of November को। तो आप लोग विश कर सकते हो वैसे शंकु को, पर मुझे पता नहीं है ये ब्लॉग कब आएगा कब नहीं, तो आप 10th of November को उसको नहीं, मैं आज ही कर दूंगी एडिट, कोई बात नहीं। आप इस ब्लॉग के नीचे भी विश कर दो, विश कर देना और खूब सारे। शंकु का बर्थडे हम कैसे, इसको ऐसी आवाजें पसंद है। शंकु का बर्थडे हम कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे। एक्चुअली हमारे पेरेंट्स मतलब मेरे इन लॉज घर पे नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो वो तो नहीं है, बाकी हम चारों हैं, तो हम मनाएंगे शंकु का बर्थडे फिर। और ये मैं कहीं से लेके नहीं आई हूँ, अपनी बैल्कनी में गिरा हुआ था किसी का, मैं उठा के ले आई शंकु के लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू मटर जो कि ऑलमोस्ट मैं मतलब अभी स्टार्ट किया है मैंने। वैसे कितनी बेशरम है ना ये, क्यों कह रही है कि मैं शंकु के लिए उठा के ले आई बालकनी में पड़ा था। बाइक हमारी एक्सटेंडेड बालकनी है तो वहाँ पे आके गिर गया था किसी का, कहीं ऊपर से आया होगा शायद। दीपू लेकर आई है और क्रेडिट खुद ले रही है। ओए वैसे हमारे पास बर्थडे बैलून पड़े हुए हैं ब्लैक वाले, ये सोचे कि हम शंकु के लिए। देख रहे हो, देख रहे हो जलन, देख रहे हो तो नहीं किया आपने, जो डिजर्व करेगा वो जला दूंगी इसे, मैंने सोचा था लगा दूंगी, लगा कुकर से लगा के। ये कौन कर रहा है पटाखों की तरफ से, बहुत देर से तो हमें पता ही नहीं था। साइबरी और भैया उधर था ना बैठा हुआ, भैया हमें पता ही नहीं था, मैं इसको पूरे घर में ढूंढ रही हूँ खाना देने के लिए। बेचारा बताइयो कब से बैठा, हमें पता भी नहीं है। हम लोग कपड़े निकाल रहे थे ना, हाँ भैया के पास, भैया के पास चला जा, जा खोल दे गेट चला जाएगा। देख लैपटॉप रखा है, देखो इसकी हरकत, देखो कैसे भाभी को दौड़ा रहे। भाभी मैं और भाभी जा रहे हैं साइबर को वॉक पे लेकर, क्योंकि शाम को कुत्ते होते हैं इसलिए। ये नीचे ना कमीज से रहता है, अभी एक्साइटेड हो गया इसलिए खींच रहा है मेरे को, तो मेरा नेल टूट गया। ओह बट ठीक है, कम से कम 20-25 दिन चल गया है ना। और क्या, ये देखो इसका, ये डिंडी से डांस कर रहा है। चलो साइबर सुन, तो इधर भाभी निकल पड़ी है साइबर को लेके, और भाभी इसलिए साइबर को लेके जाती है क्योंकि उनको मजा आता है साइबर को लेके जाने में। और ये शायद यहाँ पे इसका कार्यक्रम शुरू होगा। बेचारे को सुसुपोर्टी तो करती हो बिना कैमरे के।
अभी देखो अभी देखो अभी भगाते हो अभी ये देखो इसको ये पागल हो गए बहुत दिनों बाद मिली है ये हमें ये फिर से प्रेग्नेंट है नहीं परेशान नहीं कर खेलता है इसके साथ ये जा रहे हैं गुस्से में एक्साइटेड हो गए देख के कुछ नहीं करेगा ये इसने ना भौक भौक ज्यादा गुंडा बन रहा आप हो ना हाँ। इसलिए बताऊं तेरे को हाँ। यहाँ पे कोई है क्या नौटंकी करता है नौटंकीबाज है ये चुप हो जा समझा ना ज्यादा बदमाश मत बन नौटंकीबाज पापा जाते तो उल्टी करने का ड्रामा करता है उसकी असलियत बाहर आ रही है वो कह रहे सारी असलियत मेरे पापा को मत बताओ कैमरे के थ्रू पापा व्लॉग देख लेंगे हाँ। आज मैं आप लोगों को अभी बताया था ना मैंने कि आलू मटर बना रही हूँ तो मैंने सोचा आज फर्स्ट टाइम मैं रेसिपी दे देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ तो मैंने आलू मटर की रेसिपी दी है इसलिए यहाँ पे रिंग लाइट रखी हुई है मैंने सोचा आप लोगों को अच्छे से देखिए शॉर्ट्स में तो अगर आपको देखनी है वो शॉर्ट्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ऑलरेडी मैं डाल चुकी होंगी वो जब तक ये ब्लॉग आएगा और साथ के साथ मैं बना रही हूँ एक और सब्जी आज जो कि है शिमला मिर्च की भरवा शिमला मिर्च होता है ना उसकी सब्जी बना रही हूँ और उसकी भी रेसिपी वीडियो हम शूट कर रहे हैं वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और सब्जी का कलर देख लो भाई देख सकते हो आप सब्जी कितनी टेस्टी दिख रही है आलू मटर दीपू टेस्ट भी कर चुकी है बहुत टेस्टी लग रही है मेरे को तो इसको अच्छी लगी यहाँ पे ये भाभी की सब्जी टेस्ट करके बता रही है कि कैसी बनी है और देखो एकदम मास्टर शेफ जैसा फेस बना रही है सच्ची में सिर्फ कैमरा के लिए है सच्ची कैमरा के लिए मम्मी की कसम बहुत अच्छी बनी है पक्का चलो बढ़िया तो आप लोग फिर अब देख चुके हो आप लोग रिव्यू अच्छा है तो आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो कि मैं किस तरीके से बनाती हूं बहुत अच्छी सब्जी बनी है थैंक यू और अब मैं एक और सब्जी बना रही हूँ शिमला मिर्च की वो भी आपको आगे दिखाऊंगी वो बाकी आप शॉर्ट्स में दिखेगा हाँ। लेकिन आप रेसिपी शॉर्ट्स में देख लेना शॉर्ट्स में देख लेना अब वो मेरी फरमाइश पे बन रहा है और इस सब्जी की रेसिपी को गाइस फरमाइश फॉलो जरूर करना इधर दिखाना इसको फॉलो जरूर करना इसकी रेसिपी को आप लोग देखना और बहुत सारा प्यार देना क्योंकि ये सब्जी बहुत अच्छी बनी है मैं कह रही हूँ इसलिए तो यहाँ पर ये दोनों लोग मिलके कर चुके हैं एक कांड और कांड क्या है वो मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो पतीला पूरा जल चुका है अंदर तक और जला ये चावल जो कि मैंने ऊपर ऊपर का निकाल दिया है ये मैं साइबर को दे दूंगी और ये दोनों ने मिलके जलाया ये चली गई थी भाभी भूल गई थी और मुझे खुशबू नहीं आई एक मारूंगी मेरी क्या गलती थी मैं वीडियो बना रही थी और ये मैडम चली गई छोड़ के हमें बिना बताए चल कोई नहीं अब हो मतलब पतीले का मैं तो पतीले का हाल देख रही हूँ यहाँ पर हमारी भाभी थक चुकी हैं शिमला मिर्च बनाते बनाते मतलब आज उन्होंने दो सब्जियां बनाई तो यहाँ पे लड्डू खा रही है भूख लगती है ना कुछ खाने का बनाना मैंने कहा अचानक से ब्लॉग ले लेती हूँ दिखा तो तू हमारे शिमला मिर्च और ये शिमला मिर्च देखो ये इसकी फिलिंग है और ये इसको भाभी ने भर दिया है और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे हम फ्राई करेंगे वो आप रेसिपी में देखना शॉर्ट के तौर पे हमने रेसिपी की वीडियो बनाई है लिंक आपको बता दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आप शॉर्ट्स भी जरूर देखा करो हम इतने सारे शॉर्ट्स डालते हैं बट आप लोग देखते नहीं हो देखो और कमेंट भी करो एग्जैक्टली अच्छा बुरा कैसे भी बट करो यार अगर कुछ कमी है वो भी बताओ हमें बताओ नेक्स्ट टाइम हम ठीक कर लेंगे हाँ ये यम्मी यम्मी शिमला मिर्च बन के रेडी है एक बार इसका लुक देखो कितना डिलीशियस लग रहा है रेसिपी चाहिए तो शॉर्ट्स देखो हमने बोल दिया ऑलरेडी बहुत बार बोला है दीदी भी वो कर दिया प्रमोट रेसिपी चाहिए तो शॉर्ट्स देखो एक बात है खाना जल्दी बन जाता है लेकिन वीडियोस बनाने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि वीडियो में मैं थोड़ी-थोड़ी चीजें करनी और कैमरे के पीछे ना बहुत सारा सामान बार बार फैल जाता है उसको साफ करो कि कैमरे में ऐसे नजर ना आए रेसिपी में और ये तो दिखा चावल दोबारा बन रहे हमारे और यहाँ जो पतीला जल गया था इसने चावल दोबारा बना दिए ये देखो अब इसने सही बनाया मैं साइबर को दे दूंगी दीदी डर गई थी हमारी दीपू डर गई थी पर हमें दिखा रही नहीं मैं नहीं डरी मैंने कहा क्यों नहीं डरी फिर डर ना दीदी डर गई दीदी डर गई मैं दीदी नहीं तू मेरी दीदी अब आप रेस्ट कर लो थोड़ी देर बहुत देर से किचन में हो 3 घंटे हो गए गाइस 3 से ज्यादा वो कौन से बेवकूफ लोग हैं जो कहते खाना नहीं बनाते हो इतनी देर से खड़े हो आप वो हम करके नहीं दिखाते ना कैमरे पे एक एक चीज कैमरे पे नहीं ऐसे कपड़ा लेके पूरे दिन कॉलिंग लेके पोछते नहीं रहते आज हमने इस ब्लॉग का इंट्रो भी नहीं किया है क्योंकि हमारा इतना स्पॉन्टेनियस सा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है ना कभी भी जो हमें लगता है दिखाने की हमारा कोई ऐसा मूड नहीं था कि ब्लॉग स्टार्ट करें बस हम कुछ कुछ कर रहे थे तो दिखा दिया आप लोगों को भी और आज पूरा ब्लॉग बन भी गया बन भी गया